जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मैं मैं हूं आपका होस्ट असद कुमाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अपना समुमाला टीवी तो नाजर मैं इस वक्त पुलुथी के मकाम पर मौजूद हूं और पिछले दिनों आपने एक सियासी बेस पर एक वीडियो वो देखी होगी क्योंकि ये चौधरी यासिन साहब प्लुथी में तशरीफ़ लाए और उन्हें पुलु्थी जो ये जो लिंक रोड है इसका इफ्त किया तो उस अफ्ताह के बाद इधर हमारे पलोती तो गाँव में बहुत से मोज़ीन ने जो है न वो तकरीरें की लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छी और बेहतरीन तकरीर करार पाई वो जो हमारे साथ ये जो भाई साहब मौजूद हैं इनकी थी इनका नाम जो है ना वाजिद जमील है और ये पेशे से एक दुकान ये करते हैं लेकिन बहुत अच्छी माशाल्लाह इनने बहुत अच्छी तकरीर की अच्छे तरीके से वायरल भी हुई तो हम अगर ये कहें कि जिस तरह के शहीद नाड़वी साहब की जिस तरह के मारो टोलिया टोल वाली वीडियो वायरल हुई थी तो अगर, अगर वाजिद मिल साहब की वीडियो के बारे में ये कहें कि ये उनके मुकाबले में थी तो ये भी कोई गलत नहीं होगा तो आज इनसे हम पूछते हैं कि इन्होंने अपनी ये जो पार्टी थी नून लीग ये इन्होंने छोड़कर ये पीपी -पी, जो ये पीपल्स पार्टी है ये क्यों ज्वाइन की तो आइए और इनसे कुछ पूछते हैं अलहमदिल्ला जी। जी, अल्हं से जी जी अल्हंदिल्ला तो अल्हंदिल्ला आपको तरक्की दी जी तो आप मुझे बताएं वाले साहब के आपने लीग जो आप अपने बाप दादा से इसमें थे तो आपने ये अपनी पार्टी छोड़कर ये पीपल्स पार्टी को क्यों ज्वाइन किया आपका जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही मुश्किल है लिहाजित उसका जवाब देना जी लेकिन आप भी उसका बेस समझ गए होंगे जी जी कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी हमें जी वो रोड का मसला था हमारा जी जी हमने तमाम पार्टीज को जिसमें दो ही पार्टी थी ना नाकि पीपल्स पार्टी और नून लीग थी बड़ी पार्टी यही है यही बड़ी पार्टी पहले तो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी ना हमारा इनके साथ जो है ना सियासी वापसगी वो रही है आज राजा अक्रम साहब इमरहूम फिर अमन सुब्दार साहब मरहूम जब उन्होंने नून लीग में यानी अपना इख्तियार किया शमूलियत अख्तियार की तो हमने भी जो है ना नून लीग में लबै कहा जी जी लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हमारे जो मिसाइल थी वो उसी जगह पर मौजूद रहे ठीक है लेकिन एक वोटर का आपको पता है कि जाब्त की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी अलहमदिल्ला और ना ही जो है ना अल्लाह ताला ने ऐसा जो है ना वो मुझे मौका दिया है कि ठीक है मैं अपनी बस निजी मामलों की वजह से जो है ना वो मसरूफ रहे हैं जी जी तो हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें रोड जो थी ये सर फहरिज थी जी जी तो अलहमदिल्ला मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर इस मीडिया की वसादत से चौधरी मोहम्मद यासीन जो अपोजिशन लीडर हैं जी जी कि उन्होंने जो है हमारी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना हमारे मसाइल को हल किया तो फिर जब तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था उनके जी साथ जी जो है ना वापसगी का तो हमने ये सोचा कि अब जो हमारा एक जो है ना यानी उसे आप कह सकते हैं कि एक किलोमीटर जो हमें मिली है एक किलोमीटर का अभी जो है ना वो रोड हमारी वो बाकी है तो उसे भी जब देखा आगे पीछे नज़र दौड़ाई तो हमें नहीं कोई ऐसा यानी उसका हल होता हुआ नहीं, नहीं नज़र आ सका तो सोचा कि क्यों ना हम इसी आदमी के साथ जी जी अपनी वाबस्तगी कर लें जो इलाके की तमीर और तरक्की का निशान है जी जी ठीक है और उसने पीपल्स पार्टी ने जी जी यहाँ पे जो काम करवाया है जी जी इन्होंने बरादरी बेस पे नहीं किया है ये बहुत अच्छी मुझे लगी ये चीज़ जी बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनवाई है बहुत खूबसूरत रोड है हमारी ठीक है आप उसके किली भी में मुझे जो है ना आपसे बोलते मासे जब ये आप करें ना ठीक है तो उसका भी विजिट जी ठीक है उस हवाले से भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत दुआ तकरीर की तो आडियन को वो बहुत पसंद आई तो बहुत अच्छा लगा आपकी क्योंकि मैंने भी वो आपकी जो वो तकरीर थी वो तकरीबन 10 से 12 बार सुनी तो आज कल जब मैं रात को सोता हूँ तो जब तक मैं आपकी वो तकरीर ना सुनूँ मुझे चैन नहीं आता या तो हमने शहीद नारवी साहब की तकरीरें सुनी सुनिए तो या फिर हमने आपकी तकरीरें सुनिय तो शहीद नारवी साहब का तो एक नारा है कि मारो टोल या टोल तो आपका अब हम कौन सा नारा जो है ना तजवीज करें आप खुद ही बताएं जो जो आपका जी चाहता है जी ठीक है मैं चाहता हूँ कि आपका भी नारा यही होना चाहिए कि मारो टोल मारोटोल या टोल क्योंकि तो 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 आपकी तकरीर में वो जान वो शक्त वो ताकत वो पोटेंशियल थी उसको देखकर कोई भी आदमी <coughs> जो है माशाकत में जो यासी साहब ने बहुत अच्छी रोड बनवाई है जिस पर हम खुद भी उनको दाद देते हैं इसका हर खाल पे अच्छा तो अच्छा फ्री साहब आगे आप बताएं की आगे की क्या तजवीज़ होगी कि आप के इस प्लुती गाँव में और क्या कुछ मसाइल बाकी हैं? यहाँ पे हमें दो तीन और मसाल का सामना है जी जी। जिनमें रोड तो अल्लाह के करम से जो है ना आधी हमारी वो हो गई है अब हमें स्कूल का मसला जो है ना असल साहब वो दरपेश है जी। जो हमारा प्राइमरी स्कूल है ना जी उसकी एक तो इमारत न होने के बराबर है जी जी। बहुत उसकी हालत जो है वो नागुफ्ता भी है बिल्कुल तो आ, हमने जो है वो चौधरी साहब से इसके इसके बारे में भी हमारी उनसे बात हुई है तो उन्होंने हमें जो है ना वो दो लाख रुपये का वादा भी किया है इनशाला हमें उम्मीद है कि वो भी वादा जिस तरह रोड का वादा वफा हुआ है इसी तरह इन वो भी वादा वफा होगा फिर उन्होंने बिल्डिंग का कहा है तो इन हमारी जो है ना तमाम तर वो तोज्जो जी जी इतनी मशरती मसाइल पर है जी माशाला बहुत खूब तो आपकी रोड भी जो है ना वो तकरीबन एक किलोमीटर या डेढ़ किलोमीटर बाकी रहती है तो इसके बारे में जो यासी साहब ने आपसे को कोई वादा को किया जी बिल्कुल उन्होंने वादा किया उन्होंने कहा कि इन हम आपको इसी तरह से कि जैसे ये मैंने लोकल गवर्नमेंट के रोड दी है ना इसी तरह इन बेहतरीन रोड जो है आपको वो मिलेगी और इन वो भी इसी तरह की होगी जी तो उसके अलावा कोई आपके और मसाइल हों जो आप मीडिया की तरफ से तबसम से आप आगे शेयर करना चाहते हो अभी तो फ़िलहाल ऐसा अलहमद कुछ भी नहीं है जी। बाकी जो है वो आसा आता जो है ना हल होते रहते हैं लेकिन ये जो थे ना दो मसले जिनके के तरफ आपने जो है यानी बार बार मुझसे पूछा है मैंने आपकी तवज्जो जो है मबज़ूल करवाई है ये बहुत लाजमी चीज़ें हैं ये बुनियादी ज़रूरियात हैं ना बिल्कुल ठीक है सेहत के हवाले से जी जी। ठीक है हमारे पास जो है ना वो खवास में कुछ डिस्पेंसरी है गुलपर में है चलो वो तो मसाइल रहती लेकिन ये जो थी ना आमदोरफ़त के हवाले थी ये में बहुत ज़्यादा हिमसाए है, है अब स्कूल जी का जी। मसला जो है ना वो सर फरिश है तो आपने वाजिद मिल साहब की बात सुनी माशा बहुत खूब बहुत शानदार क्योंकि इनकी वीडियो जो है वो वायरल हुई है जिस तरह के सईद नाडवी साहब की वीडियो वायरल हुई थी यहाँ वाजिद साहब ने अपलुति में बहुत ही आलिशान बहुत ही पावरफुल और पोटेंशल वाली तकरीर की जिसको बहुत दूर तक लोगों ने आज़ाद कश्मीर तो क्या तकरीबन ये यूके में भी जितने भी शंजन कंट्री हैं जिसमें पाकिस्तानी उधर रहते हैं उन्होंने भी इसको बहुत अप्रिशिएट किया तो हमें भी बहुत माशा बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारे पड़ोस जो दूसरा गाँव है वहाँ में ये वाजिद मेर साहब रहते हैं तो माशाला बहुत पढ़े लिखे हुए और बहुत ही इंसान हैं तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था तो जितने भी व्यवर जितने भी व्यवर इस वक्त मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में तब तक के लिए दीजिए